एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं निधि निधिया भी चैनल से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ अगेन एक बहुत ही जबरदस्त सी वीडियो लेकर के। तो पता है अभी ना हम घूम करके आ गए, आप सभी को पता है हमारा मसूरी ट्रिप खत्म हो गया और हम घर आ गए हैं। तो उसके साथ उसके बाद बहुत सारे काम गाइस, अनपैकिंग से लेकर के कपड़ों को वॉश करना, अरेंज करना, रखना, सारी चीजें चल रही है और अभी बहुत सारे काम चल ही रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं कर रही हूँ तो चलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो पता है गाइस, चलिए मैं ना सबसे पहले ओपन कर लेती हूँ अपने डॉटर की कबर्ड को, यानी कि रूही की कबर्ड को। आप सभी को पता है मैं उसकी हमेशा से एक सेपरेट कबर्ड रखती हूँ। तो ये वाला जो हाल है ना, ये ऐसा है कि मैं क्या बताऊं। तो अभी ना मतलब ऐसा हुआ है ना कि जैसे मैं जब कपड़ों को अरेंज कर रही थी तो यहाँ पे जो भी कपड़े ना मुझे लाइक मेरे भी, विक्की के भी जो भी थे ना, जैसे घर फैला हुआ सा था तो मैं ला करके ना सब यहीं पे रख दी। तो मैंने सोचा चलिए पहले ना ये सबको मैं अरेंज कर लेती हूँ। बट यहाँ वाला मैं आपको दिखाऊं ना, वेट, ये देखो मैंने इसके बहुत सारे कपड़े यहाँ पे लगा करके इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं। काफी हद तक कपड़े यहाँ पर सेट है, ऊपर भी ना मैं बहुत अच्छे से सेट करूँ। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जरूर कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी डॉटर के। तो यहाँ पे सेट है कपड़े एंड इसके अलावा ना मुझे ये वाले से सारे कपड़े जो है निकालने हैं एंड अरेंज करने हैं। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये देखो इसी में, अरे वाह, इसी में ना गाइस देखिए मेरा एक ये बैग मिल गया जो कि ना मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी। तो गाइस ये बैग है ना जिसके बारे में कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए पहले इसी के बारे में शेयर करती हूँ। तो पता है गाइस, अभी ना जब मैं रूही की कवर को क्लीन करना स्टार्ट ही करी थी ना, तो मुझे ये वाला बैग मिल गया। तो मैंने सोचा चलिए सबसे पहले आपको इस बैग के खासियत के बारे में बता दूं। मेरा ना मतलब ये बैग मेरे ट्रेवल में कैसे हेल्प किया गाइज, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मुगल आर्ट मल्टी कलर स्लिंग बैग विच इज फ्रॉम ज़ुग ब्रांड। एंड ये जो बैग है ना, ये मेरे ट्रेवल में इतना ज्यादा हेल्प किया। मैं इसमें इतना सारा सामान भर करके ट्रेवल करी हूँ। जब भी हम होटल में पहुंच गए और हमें साइट सीन के लिए जाना होता था तो मेरी सारी इम्पोर्टेंट सी चीजें इसमें आ जाती थी। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं इसमें क्या क्या सी चीजें अरेंज कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो मेरा बैग है ना, चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें अभी क्या क्या रखी हूँ एंड डेफिनेटली आप भी इसमें बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें आपको 3 कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। एक यहाँ आगे की साइड मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको मेन कंपार्टमेंट एंड इसके अलावा आपको यहाँ अंदर एक और छोटा सा पॉकेट मिल जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है एंड बहुत ही आसानी से चीजें मैंने इसमें रखनी है। तो सबसे पहले चलिए, मैं इतना कॉम्पैक्ट सा है ना कि मैं क्या बता दूं। तो मैंने इसमें अपना एलोवेरा जेल रख लिया है, एक बीबी क्रीम रख लिया है, एक अपनी बेबी की क्रीम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरा मोबाइल फोन, इसके अलावा देखो फेस पाउडर एंड मैंने रखा है ब्लश, मैं सामान रख दू, एंड बिंदी लिपस्टिक, सनस्क्रीन और इसके अलावा छोटू सा डियो विच इज माई पॉकेट डियो एंड मस्कारा, काजल, तो बहुत सारी चीजें इस छोटे से बैग के अंदर आ जाती हैं। एक जो आगे की साइड कंपार्टमेंट है, इसमें आपको कुछ छुट्टे पैसे मैंने रखे हैं एंड अपने कुछ इयररिंग्स रखी हैं क्योंकि अभी हम गए थे ट्रेवल पे। अंदर की साइड जो पॉकेट, इसमें मैंने कुछ कैश रखा है बट इतना ज्यादा स्पेशियस है कि आप इसमें छोटा सा वॉलेट भी रख सकते हैं। पता है जब ना मैं ट्रेवल में गई थी ना तो फोन को अपने पॉकेट में डालती थी एंड इसमें मेरी डॉटर का सिपर भी आ जाता था पानी वाला, और क्या चाहिए है। सो गाइज, ये जो बैग है ना, ये प्राउडली इंडियन है, फेटा अप्रूव्ड है, क्रुएलिटी फ्री, यानी कि किसी भी एनिमल को इसमें हार्म नहीं किया गया है एंड हैंडक्राफ्टेड है। तो पता है गाइज, ये बैग ना मैंने ज़ुग से लिया था। इफ यू वांट टू बाय दिस बैग ना, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैं उसमें इसका बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड इनका जो वेबसाइट लिंक है, इनके यूट्यूब चैनल का लिंक है ना, मैं दोनों ही चीजें प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं मेरे कूपन कोड को यूज करके, विच इज YTNidhi10, यानी कि YTNIDHI10 इज माई कूपन कोड जो कि मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दे रही हूँ। इसको यूज करके ना आप अपना अच्छा सा डिस्काउंट ले सकते हैं। एनीवे चलिए, इसकी बातें तो हो गई, सारी डिटेल्स इसकी ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए मैं देखती हूँ कि मुझे आगे क्या क्या काम करने हैं यार। सो पता है गाइज, अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर आप लोग मम्मा है ना
माँ है खास करते ना इस तरीके के छोटू क्यूट बेबी की, तो बिल्कुल भी आप लोगों के लिए कोई भी काम, बेटू गिर जाएंगी रूही, इतना आसान नहीं है। ये लोग आपको कोई भी काम करते नहीं करने दें, बिल्कुल भी नहीं करने देंगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं करने देती। रूही नो, नीचे बुबू आया हुआ है। तो मैं भी सारे कामों को निपटा ही रही थी, मैंने सोचा कि कवर क्लीन कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि आज ना आज विकी को भी ऑफिस जाना पड़ा दिन में, यानी कि रूही के पापा को ऑफिस जाना पड़ा और अब हो गया इसके सोने का टाइम। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले इसको सुला लूंगी, फिर आराम से आगे मैं जो शूट उट करूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। और देखो इसकी शरारत, ऐसे नहीं पीते जान है ना, तो अब यम्मी ना, तो चलिए मम्मा जल्दी पिलाएगी ना, तो चलिए मैं जा रही हूँ इसको सुलाऊंगी। गाइस आई होप सो कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। देखो सारे कपड़े निकालना स्टार्ट कर दिया इसने, अब बहुत ही टाइम होगी रूही। नो मम्मा, सो बाय गाइस।